Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम AP TET 2024 के फेस 2 के मॉक टेस्ट साइकोलॉजी के बिट्स करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, टीचर्स हाई एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। बच्चों के तई टीचर के जो आला सतह के मुतवक्कात होते हैं वो बच्चों के परफॉर्मेंस को तरक्की देते हैं, तो इस असर को क्या कहते हैं, ये पूछने का मकसद है सवाल का। ऑप्शंस देखते हैं, री इन्फोर्समेंट, कुमक, अचीवमेंट मोटिवेशन, तहसीली मुहरिका, पिग्मालियन इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कानून तासीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पिग्मालियन इफेक्ट। अगला सवाल, द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, दर्जा जैल में ये इक्तिसाब की खसूसियत नहीं है। ऑप्शंस हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस, मुसलसल चलने वाला अमल है, डायनामिक यानी मुतहरिक अमल है, ऑब्जेक्टिविटी यानी मकसदियत है, नैरोइंग। तो नैरोइंग जो है ये इक्तिसाब की खसूसियत नहीं हो सकती। अगला सवाल, इवान पावलो थीरी यानी पावलो की पेशकर्दा नजरिया क्या है। ऑप्शन हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग बाय इनसाइट यानी बसीरती इक्तिसाब, ट्रायल एंड एरर, सही और खता का नजरिया। पावलो का पेशकर्दा नजरिया क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगला सवाल, विच डज नॉट बिलोंग टू सोशलाइजेशन यानी समाजयानी के अमल से दर्जा ज़ैल में ये ऑप्शन ताल्लुक नहीं रखता। ऑप्शंस हैं, लर्निंग ट्रेडिशंस यानी रस्म व रिवाज वगैरह का सीखना, फॉलोइंग कस्टम्स यानी वहाँ के रसूम वगैरह को फॉलो होना, लर्निंग टू शेयर शेयर करने के लिए इक्तिसाब हासिल करना, फॉलोइंग हेल्थ हैबिट्स यानी सेहतमंदाना आदतों को फॉलो करना। सेहतमंदाना आदतों को फॉलो करने का ताल्लुक समाज यानी के अमल से नहीं है। CPU stands for यानी CPU से मुराद ये सभी जानते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है। ऑप्शन हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर पार्ट यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोवाइडिंग यूनिट। सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जेंडर रोल्स ऑफ ए पर्सन इज रिलेटेड टू, मेल और फीमेल के जेंडर रोल्स को जो है के अंदर नशोनुमाई अमल क्या कहलाता है, ये पूछने का मकसद है। ऑप्शन हैं, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, नफसी जिनसी नशोनुमा, एडोलेसेंस डेवलपमेंट उनफाने शबाब का नशोनुमा, सोशल डेवलपमेंट समाजी नशोनुमा, जेंडर डेवलपमेंट। तो जेंडर रोल्स जो है ये जेंडर डेवलपमेंट की नुमाइंदगी करता है। स्केमाटा मीन्स, स्केमाटा से मुराद क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स, कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्केमाटा का तस्वीर जीन प्याजे ने दिया अपने नजरिए में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को जो है स्केमाटा कहा गया। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक द एबिलिटी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द पिक्चर्स एंड वर्ड्स, थॉर्नडाइक के मुताबिक वो अहलियत जो तस्वीर को और अल्फाज को वजाहत करने के लिए दरकार है। ऑप्शन हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी यानी मुजरद जिहानत, मैकेनिकल इंटेलिजेंसी ठोस या मैकेनिकी जिहानत, सोशल इंटेलिजेंसी समाजी जिहानत, कल्चरल इंटेलिजेंसी सकाफती जिहानत। थॉर्नडाइक के पेशकर्दा जिहानत की किस्मों में ये तीन किस्में शामिल हैं जहां पर पिक्चर्स को और वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है। अगला सवाल, द रिसर्च दैट स्टडीज स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल टू प्रिडिक्ट द अदर वेरिएबल इज, तो शुमारियाती तरीकों में ये वो तरीका जो एक मुतगैर का असर दूसरे मुतगैर पर किस तरह होता है ये जांचने के लिए जो तहकीक की जाती है वो है। ऑप्शंस हैं, हिस्टोरिकल, कोरिलेशनल, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर कोरिलेशन यानी बाहमी ताल्लुक का
जो रिसर्च होता है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल बेस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, इनफरादी इख्तलाफात के लिए ये एक हयाती बुनियाद नहीं है, बायोलॉजिकल बेस हयाती तौर पर हासिल होने वाली चीज नहीं है। ऑप्शंस देखिए, सेंसेस यानी ऐसा हिस्सी आजा जो सेंसेस है वो हेरिडिटी, तवारुस है, मेच्योरिटी, पुख्तगी, फैमिली, खानदान और या समाज कहा गया है। पहले के जो तीनों ऑप्शंस हैं, सेंसेस, हेरिडिटी और मेच्योरिटी, ये तीनों जो है बायोलॉजिकल बेसिस हैं, जबकि फैमिली और या सोसाइटी ये बायोलॉजिकल बेस नहीं है। अगला सवाल, द साइकोलॉजिस्ट हु मेड ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर, टाइम, मॉरल्स एटसेट्रा, वो नफ्सियातदान जिन्होंने ये तजुर्बात किए हैं कि बच्चों के अंदर तसव्वुर यानी आदात का तसव्वुर, वक्त का तसव्वुर और अखलाकियात से मुतालिक तसव्वुरात किस तरह से नशोनुमा पाते हैं, ये तजुर्बात करने वाला ऑप्शन देखते हैं, स्किन्नर, जीन प्याजे, हरलॉक, जे बी वाटसन। सही जवाब है जीन पैजे। अगला सवाल है, द लर्निंग इन्वॉल्व इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप जो बच्चों के उनफाने शबाब के दौर के अंदर आती है बच्चों के अंदर, वो खसूसियत नफ्सियाती अमल के इस तरीके से ताल्लुक रखता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, मुशाहदाती तरीका, ट्रायल एंड एरर, सही व खता का तरीका, प्रोग्रामड लर्निंग, लाइहा अमल इक्तिसाब, डिस्कवरी लर्निंग, ये जो है दरियाफ्त या खोज का इक्तिसाब कह सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो हीरो वर्शिप से ताल्लुक रखता है, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड है। अगला सवाल, द डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स टू रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी खारिजी मुहैयात को हुसूल करने के लिए हिस्सी आजा की नशोनुमा किस दौर में होती है, ये पूछा गया है, प्री चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन, लेटर एडोलेसेंस, बईद उनफान शबाब, लेटर चाइल्डहुड, बईद बचपन, इनफेंसी। सेंसरी ऑर्गन्स ये जो होते हैं हिस्सी आजा, वो इन्फेंसी के दौर में 0 से 2 साल के मरहले में नशोनुमा पाते हैं। अगला सवाल, ए 10-year-old बॉय ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट, ही विल बी एनरोल्ड इन क्लास, एक 10 साल का लड़का जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया है, आरटीई के तहत कानून हक तालीम के तहत उसको किस जमात में आप दाखिला दिलवाएंगे, ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 10 साल का बच्चा होने की वजह से वो 5वीं जमात में दाखिला लेगा। अगला सवाल है, 3 or 4 एज ग्रुप चिल्ड्रन कैन प्ले, यानी 3 या 4 साल में उस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले बच्चे कौन से खेल खेलते हैं, ऑप्शन है सॉलिटरी प्ले, तनहा खेल, एसोसिएटिव प्ले, मुतालिक खेल, कोऑपरेटिव प्ले, मुआविन खेल, कल्चरल प्ले, ये सकाफती खेल। 3 या 4 साल की उम्र में बच्चे जो है एसोसिएटिव प्लेस खेलते हैं। अगला सवाल है, ये ट्रेट दैट स्टूडेंट लाइक इन टीचर्स, यानी असातिजा में बच्चों का पसंदीदा वस्फ क्या है, ऑप्शंस हैं डिसिप्लिन, नज्मो ज़ब्त, टाइम मैनेजमेंट, वक्त की यानी तंजीम, फ्रेंडली नेचर, दोस्ताना मिजाज और हाइजीन, सेहतमंद आदतें। तो ये जो है फ्रेंडली नेचर को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं असातिज़ा के अंदर। अगला सवाल है, द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड एक्शन रिसर्च कॉन्सेप्ट, यानी एक्शन रिसर्च को उर्दू में कहेंगे अमली तहकीक, इसके तसव्वुर को पेश करने वाला कौन है, ऑप्शंस देखते हैं स्टीफन कोरे, जिम कैरी, गैल्टन प्याजे। एक्शन रिसर्च के कॉन्सेप्ट को पेश करने वाला स्टीफन कोरे है, जबकि इसे तालीम के मैदान से जोड़ने वाला स्टीफन केमिस है। अगला सवाल है,
The psychologist who opined social learning is a process. वो नफ्सियातदान जिन्होंने ये ख्याल पेश किया कि सोशल लर्निंग यानी सामाजिक इक्तसाब एक अमल है, एक प्रोसेस है. सामाजिक इक्तसाब एक को एक प्रोसेस कहने वाला ऑप्शन देखते हैं, बंदूरा, पावलो, स्किनर, कोहलर. बंदूरा है. सोशल लर्निंग को जो है हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहेंगे, मुशाहदाती इक्तसाब. इसी तरह लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कहेंगे. इसी तरह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहेंगे. लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहेंगे. ये तीनों इसी के नाम हैं. अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द पोक्सो एक्ट इन दिस ईयर. पोक्सो कानून को जो है हुकूमत हिंद ने इस साल से लागू किया है, 2010, 2011, 2012, 2014. पोक्सो कानून का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है. इसको जो है हुकूमत हिंद ने 2012 से लागू किया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड. फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस. नेक्स्ट, पर्सन हु सेड दैट चिल्ड्रंस माइंड इज एन एम्प्टी ब्लैक बोर्ड. वो शख्स जिसने बच्चे के दिमाग को खाली तख्ते सियाह से तशबीह दी, वो है ऑप्शन देखिए, जॉन लॉक, वाइगार्ड्स्की, पियाजे, स्किनर. सही जवाब है जॉन लॉक. इन्होंने बच्चे के दिमाग को एक खाली तख्ते सियाह से तशबीह दी है. अगला सवाल है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर यूज्ड एज टूल्स इन दिस रिसर्च मेथड. हम एक्शन रिसर्च के चंद तरीके हैं अमली तहकीक के, उसके अंदर से जो है हिस्टोरिकल मेथड भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी है. ये तीनों जो है एक्शन रिसर्च के तरीके हैं. तो इसमें से जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, इनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. अगला सवाल, लर्निंग थ्योरी दैट गिव्स प्रायोरिटी टू क्रिएटिव थिंकिंग. वो इक्तेसाबी नजरिया जो क्रिएटिव थिंकिंग यानी इख्तेराई सोच को अहमियत देता है. क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है इख्तेराई सोच व फिक्र. ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर, इंसाइटफुल लर्निंग, कंडीशनल लर्निंग. क्रिएटिव थिंकिंग को प्रायोरिटी देने वाला नजरिया इंसाइटफुल लर्निंग, जिसको जो है गेस्टाल्ट हामियों ने पेश किया है. अगला सवाल है, द चेयर पर्सन ऑफ एनईपी 2020. एनईपी 2020 के चेयर पर्सन ऑप्शन हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, विवेक पंडित, रीना रे, वसुधा कमल. सही जवाब है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईसीटी टूल. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक ये टूल इस्तेमाल में नहीं आता, यूट्यूब वीडियो क्लिपिंग, डीवीडी, चार्ट. यूट्यूब वीडियो क्लिपिंग, डीवीडी, ये तीनों जो है इस्तेमाल में आते हैं, जबकि चार्ट इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए ये सही ऑप्शन है. अगला सवाल है, द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट फॉर प्राइमरी लेवल. इब्तदाई जमातों के लिए ये तरीक़े तदरीस मुनासिब नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मसाइल के हल करने का तरीक़ा, एक्टिविटी मेथड, मशगलाती तरीक़ा, लेक्चर मेथड, बयानिया तरीक़ा या लेक्चर तरीक़ा, प्रोजेक्ट मेथड, मनसूबाई तरीक़ा. लेक्चर मेथड जो है ये इब्तदाई जमातों के लिए मौजू नहीं है. अगला सवाल है, योर माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इज रिटन बाई चॉम्स्की, क्लिफर्ड बियर्स, ऑल्फ्रेड बी ने, एरिक एरिक्सन.
ये एक किताब है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये क्लिफर्ड बियर्स के जरिए लिखी गई किताब है। अगला सवाल है, दिस पेयर ऑफ क्रोमोजोम डिसाइड्स द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। हर इंसान के अंदर इस पर तीन क्रोमोजोम्स के जोड़ होते हैं। ऑप्शन देखिए 20, 21, 22, 23। सवाल के लिहाज से सेक्स क्रोमोजोम्स जो है वो 23वें जोड़ को कहते हैं। इसका एक जोड़ जो, यही जोड़ जो है सेक्स को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल मेथड, ये एक तिबी तरीका है। ऑप्शंस हैं इंट्रोस्पेक्शन, दाखिली मुशाहदा, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदाती तरीका, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तजुर्बाती तरीका, केस स्टडी, मुताले मामला। क्लिनिकल मेथड तिब्बी तरीका जो है केस स्टडी मुताले मामला को कहते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर नंबर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज आर 8, 10, 12, 6। गार्डनर फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब लिखता है, उसमें उसके मुताबिक जो है कसीर जिहानतें पाई जाती हैं। वो कसीर जिहानतों का नजरिया थीरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज कहलाता है। उसके मुताबिक 8 जिहानतें पाई जाती हैं और वो भी जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, 8ों के 8ों इंडिपेंडेंट। अगला सवाल, इवन विदाउट एनी ट्रेनिंग तेजा इज एबल टू सिंग नाइसली बिकॉज ऑफ हर। बगैर किसी तरबियत के तेजा जो है बहुत अच्छी तरह से गा लेती है क्योंकि उसके अंदर ये मौजूद है, इंटरेस्ट, गॉड्स गिफ्ट, एप्टीट्यूड यानी रुझान, एटीट्यूड रवैया। एप्टीट्यूड ये फितरी अहलियत होती है बच्चों के अंदर, जिसकी बिना पर उनके अंदर विरासत में चंद खसूसियात आ जाती हैं, इस वजह से एप्टीट्यूड सही होगा। अगला सवाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज फॉलो अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।